उत्तराखंड में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मॉनिटरिंग करने के साथ अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि परीक्षाओं का रिजल्ट 25 मई से पहले घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षाएँ पूरी पारदर्शिता से होंगी। नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के लिए 1253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 2,59,439 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सचल दल बनाए जाएं और पुलिस और जिला प्रशासन की अहम भूमिका रहेगी। कल मैंने एक समीक्षा बैठक की है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। हमने तीन चीज़ें रखी हैं कि पहले तो एक तो नकल विहीन परीक्षाएं होनी चाहिए, दूसरा यह है कि जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पर पर्याप्त जो है व्यवस्था, चाहे पुलिस की हो चाहे विभाग की ओर से, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर रखी जाएगी। तीसरा यह है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं इस बार हमने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में उड़न दस्ते जरूर जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है।